टाइम में हम सब लोग ही मोबाइल फोन यूज करते हैं और फोन यूज करने के टाइम में फेस करते हैं बहुत सारी परेशानी, जैसे कि आपका फोन पानी में गिर गया। सोचिए कि आपके फोन के ऊपर पानी चला गया तो फोन के अंदर भी पानी जाएगा। बारिश में निकले है, बारिश का पानी अंदर चला गया फोन का, तब क्या होता है, फोन बंद हो जाता है, कभी कभी फोन ऑन नहीं होता है। तो इस टाइम में आप घबराइए मत, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसा बातें जिससे कि आपका फोन फिर से चालू हो जाएगा और दौड़ने लगेगा। तो मैं हूँ सुदेशना और आप देख रहे हैं इंडियन टेक मीडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके फोन के अंदर अगर पानी चला जाता है तो उस टाइम में आपका फोन ऑन नहीं होता और आप जुट जाते हैं फोन को ऑन करने की कोशिश में। तो ये गलत प्रोसेस है और ये आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप अगर बार बार करेंगे तो आपका फोन कोई भी काम करने के लायक नहीं रहेगा, यानी कि आपका फोन गया। तो इस टाइम में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों का भी बताऊंगी कौन कौन सा चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। आपके फोन के अंदर अगर पानी चला गया है और फोन ऑन नहीं हो रहा है, इस टाइम में आप फोन को ऑन करने की कोशिश भी मत कीजिए, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक सही प्रोसेस है। आप लोगों को पता होगा कि फोन एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पानी चला जाता है और आप ऑन करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और आपका फोन के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो फोन गया, यानी कि आपको बहुत सारा पैसा वहां पे खर्च करना पड़ सकता है। तो इस टाइम में अगर फोन ऑन नहीं हो रहा है तो आप फोन को ऑफ ही करके रखिए और फोन को खुलिए, ओपन करके फोन के अंदर जो चीजें हैं जैसे कि सिम कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड और जो बैटरी है उसको निकाल लीजिए। अगर नॉन रिमूवेबल बैटरी है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप अगर इन चीजों को नहीं निकालेंगे तो आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, ये चीजें खराब हो जाएगा और ये बाद में काम में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फोन के अंदर पानी गया और ऐसे ही रख देते हैं, सोचते हैं कि कोई शॉप में जाके दिखाएंगे, तो शॉप में जाएंगे ठीक है, मगर उससे पहले आप अपने सिम को, मेमोरी कार्ड को निकाल के रख दीजिए साइड में, इससे आपका सिम और मेमोरी कार्ड बच जाएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो प्रोसेस बताने जा रही हूँ एक घरेलू नुस्खा है और ये आपको बहुत ही फायदा दे सकता है। आपके फोन अगर भीग गया तो आप धूप में दे सकते हैं, सुखा सकते हैं, और इस टाइम में अगर आप सोच रहे हैं कि बारिश का मौसम है तो धूप कहाँ से निकलेगा, तब आपके पास अगर है हेयर ड्रायर और है आपके पास हेयर ड्रायर नहीं भी है, हेयर ड्रायर है तो ठीक है, उससे आप फोन को सुखा सकते हैं ऐसे ऐसे करके। और अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो यहाँ पे आपके घर में तो रहेगा ही चावल रहेगा, पुआ रहते हैं, तो पुआ और चावल के डिब्बे में आप अपने फोन को घुसा दीजिए और ऐसे ही कुछ टाइम रहने दीजिए, उससे आपके फोन के अंदर जो पानी गया है वो पूरा सूख जाएगा और सूख के उसका जो पानी है निकल जाएगा, इससे आपका फोन फिर से ऑन हो सकता है। और इसके बाद आप अपने फोन को निकाल लीजिए, निकाल लेने के बाद सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड को लगा के, अगर नॉन रिमूवेबल बैटरी है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, अगर रिमूवेबल बैटरी है तो बैटरी को फिर से लगा के फोन को ऑन कीजिए, इससे फोन ऑन हो जाता है। बहुत सारे केसेस में फोन ऑन होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर अगर आपके ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है तो आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ कोई पास वाला शॉप में जाइए, आपका फोन को थोड़ा सा दिखा लीजिए, इससे आपका फोन पूरा ठीक हो जाएगा, इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। ये मैंने बोला क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है, आप घर में ही इसको ट्राई करके फोन को ठीक कर सकते हैं। प्रोसेस करने के बाद आपका फोन ऑन हो जाता है तो ठीक है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर फोन ऑन नहीं होता है तो फिर तो ऑप्शन है शॉप में जाके आप ठीक रिपेयर कर सकते हैं उसको। अगर आपको ये यूजफुल वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और बटन के पास जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।